वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोकलोशन, जहां आपको मिलता है रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू लेकर के आई हूं, एंड दिस इज फ्रॉम विश केयर। इसके काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, तो आई थॉट कि मुझे इसको भी ट्राई करना चाहिए, तो इसलिए इसको मैंने ट्राई किया है। एंड ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है मुझे इसे ट्राई करते हुए, और अब मैं इसका रिव्यू लेकर के आई हूँ। मैं अब इसका प्रॉपर रिव्यू आपको दे सकती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से अपना रिव्यू शुरू करते हैं। बट इसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नया आया है, तो इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकंड्स टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट रिव्यूज की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब अपना रिव्यू शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट, और विश केयर इज ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड, तो इसलिए मैं उसके इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। ये विश केयर ऐसा क्लेम करते हैं कि ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल, बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ, और ये आता है 3% रेडेंसिल, 4% एंड अगेन 2% डेकापिल, कैफीन, बायोटीन, प्लांट कैरेटीन एंड राइस वाटर के साथ में। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ना गाइस, ये आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम तो करते ही है, और आपके हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये ब्रांड क्लेम करता है कि इस हेयर सीरम से आपका जो हेयर फॉल है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और जो डैमेज हेयर है उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। और प्राइस अगर इसका बता दूं तो 999 रुपीज में आपको ये 30 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि आता है कुछ इस टाइप की स्प्रे बॉटल में, जिसमें आपको ऐसा नोजल मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाने के लिए। इसको आपको डायरेक्ट स्कैल्प पे ही लगाना है, हेयर लेंथ पे ये लगाने वाला सीरम नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है। और स्कैल्प पे लगाने के लिए आपको बस इसको ऐसे स्प्रे करना है और डायरेक्ट ये आपकी स्कैल्प पे लग जाएगा। और ये जो सीरम है थोड़ा सा थिक लगा है मुझे एज कम्पेयर टू अदर सीरम। इसके पहले भी मैंने सीरम ट्राई किए, दिस इज अ लिटिल बिट थिक, ओके, बट एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके बालों में। और डायरेक्शंस के लिए उन्होंने बताया कि आपको 2 to 3 स्प्रे पर स्कैल्प पे आपको स्प्रे करना है, एंड उसके बाद अपने फिंगर टिप से आपको मसाज करना है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप नाइट टाइम में इसको यूज करिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको इसको डेली लगाना है अपने हेयर स्कैल्प पे, क्योंकि क्या होता है कि इनका कहना है कि ये स्टिकी नहीं है, तो आपके बालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा हैवी कर रहा है। तो इसलिए ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसको डेली लगाइए अच्छे रिजल्ट के लिए। बट अगर बात कर लूं मेरे रियल एक्सपीरियंस की, तो व्हाट हैपन ना, ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। इसके पहले भी एक हेयर सीरम मैं यूज कर रही थी, दैट वॉज अ लिटिल लाइट वेट, ये थोड़ा सा थिक है। तो क्या होता है कि एक दिन आपने लगाया तो नेक्स्ट डे उतना कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, बट अगर लगातार आपने 2 दिन लगा लिया है तो 3rd डे तो आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाएंगे, तो आपको हेयर वॉश करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ, मैं इसको डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ, हर ऑल्टरनेट डे पे मैं इसको लगा रही हूँ। एंड अगर रिजल्ट्स की बात कर ली जाए तो यस, रिजल्ट्स मुझे बिल्कुल विजिबल है इसके, इससे मेरा हेयर फॉल रिड्यूस तो हुआ है। हाँ, कम्प्लीटली बंद नहीं किया इसने मेरा हेयर फॉल रिड्यूस किया है इसने। उसके अलावा मुझे अपने हेयर्स की हेल्थ भी काफी अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा मेंटेन है मेरे हेयर्स, और हेयर ग्रोथ भी मुझे दिख रही है। तो मुझे ये सीरम ऑल इन ऑल अच्छा लगा, मैं इसको 8/10 दूंगी। 2 नंबर भी इसलिए कट किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है, तो डेली लगाने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि डेली अगर मैं इसको लगाऊंगी तो मुझे हर 3rd डे तो अपने हेयर वॉश करने ही पड़ेंगे, ओके। और अगर आप कंडीशनर और मास्क वगैरह अपने हेयर में लगाते तब तो माइट बी ये 2nd डे ही आपके हेयर्स को थोड़ा सा ग्रीसी कर दे, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, हेयर फॉल डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है, और हेयर ग्रोथ भी मुझे अच्छी खासी दिख रही है, और मेरे बालों में काफी अच्छी शाइन भी मुझे दिख रही है। तो इसलिए मुझे ये सीरम काफी ज्यादा अच्छा लगा है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। 999 अमाउंट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है इस प्रोडक्ट के हिसाब से, बट आप ऑफर में अगर इसको लेंगे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, काफी अच्छे ऑफर्स भी जाते हैं विश केयर पे, या अगर आप नायका पे ले रहे हैं तो नायका पे ज्यादा आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे विश केयर के इस हेयर सीरम के लिए, तो वहां पे आप जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, वहां से डायरेक्ट जाकर के भी आप ले सकते हैं। और गाइज, अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। और मैं मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इंडियन ब्रांड और अदर इंडियन प्रोडक्ट। तब तक के लिए यूज इंडियन प्रोडक्ट, बाय इंडियन प्रोडक्ट, बी वोकल फॉर लोकल। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।